नांदेड़ जिला तंजीम इंसाफ की सदारत पर शेख रियाज और कारगुजार सदर की हैसियत से सुनील सुनसड़े का इंतखाब अमल में आया। इस तरह जनरल सेक्रेटरी के तौर पर वलीउद्दीन फारूखी, हरपाल सिंह गुलाटी, जिला कोऑर्डिनेटर अरशाद पटेल, जिला नायब सदर शेख मलंग व मोहम्मद मोइस, चीफ संगठन अब्दुल हकीम, सेक्रेटरी शेख हुसैन राइटवार, सद्दाम पटेल, शेख आरिफ, हाफिज शेख आसिम, मुस्तफ़ा पिंजारी के अलावा दीगर नौजवानों का इंतखाब अमल में आया। नौ मुंतखबा अहदों का आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक अहमद तर्जुमान वंचित आघाड़ी महाराष्ट्र और कामरेड प्रदीप नागापुरकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मौजूद थे। इन दोनों ने बताया कि एस जी शतारी सदर महाराष्ट्र और सैयद अली अशफाक सलामी सेक्रेटरी महाराष्ट्र ने इन नामों को खतियत बख्शी है। गुज़श्ता कई दिनों से ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ नांदेड़ ज़िले की सदारत का ओहदा मखलुआ था, लेकिन अब उसको दोबारा से पूर करते हुए मुतहरिक बना दिया गया है। इस मौके पर ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के मुख्तलिफ नुमाइंदों ने शिरकत की। नौ मुंतखबा अहदेदारान और दीगर की कसरत से गुलपोशी की गई और इन्हें नेक मुस्तकबिल की ख्वाहिशात का इजहार किया गया। जैसा कि नांदेड़ में सब लोग जानते हैं, ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ यह एक ऐसी तहरीक है जिसको नांदेड़ से हमेशा बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सेदारी रही है। नांदेड़ का रोल नेशनल लेवल पर भी जिसको सराहा गया है, जिसकी तारीफ की गई, ऐसा रोल सदा से रहा है। जो काम सब करते हैं उस भीड़ में शामिल न होते हुए, जिन मौजू पे, जिन विषय पर, जिन मामलात पर कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसे इश्यूज़ के ऊपर काम करने को लेकर ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ हमेशा पेश पेश रही है। चाहे दहशतगर्दी का मामला हो, चाहे तालीमी स्कॉलरशिप का मामला हो, या किसी भी टाइप की एक्टिविटी हो, उसके लिए जैसे CANRC के वक्त में जो कुल जमाती तहरीक कायम की गई थी, उसकी अव्वल जो शुरुआत थी, उसकी जो पहल थी, उसकी जो इब्तिदा थी, वो ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के मीटिंग के ही ज़रिए ये तय किया गया था कि कुल जमाती तहरीक कायम की जाए और उलेमा इकराम को उसके अंदर क़यादत सौंपने का भी फैसला तंजीम इंसाफ की मीटिंग में हुआ था। तो तंजीम इंसाफ हमेशा तारीख के अंदर हर बड़े काम के अंदर रही है और आने वाले दौर में ये काम को और ताकत से बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की नांदेड़ ज़िले की नई कमेटी आज तश्कील दी गई, जिसके अनाउंसमेंट फाउंडर मेंबर के हैसियत से प्रदीप नागापुरकर साहब हों या मैं हों और हमारे पुराने साथी आमिर अरसल साहब, मोहम्मद कासिम साहब, इन लोगों की मौजूदगी में नई ज़िला कमेटी यहाँ बनाई गई है। इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है आने वाले एक महीने के अंदर नए पुराने साथियों के साथ में रब्त कायम करें, उनके साथ डायलॉग करें और इसको एक्सपांडेड कमेटी आने वाले एक महीने में इंशाल्लाह नांदेड़ जिला कमेटी का चयन होने जा रहा है। जिला अध्यक्ष के तौर पर हमारे मुखेड़ के युवा साथी शेख रियाज को अध्यक्ष पद पे चुना गया है। नांदेड़ तंजीम इंसाफ ये ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ का एक फाउंडर सेक्शन रह चुका है। तंजीम इंसाफ की जो मूवमेंट है वो नांदेड़ में से चालू हुई, ऐसा कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये काम पहले नांदेड़ में था और नांदेड़ में से ही इस बात को आगे बढ़कर ऑल इंडिया लेवल पर बढ़ाया गया था। आज नांदेड़ की जिम्मेदारी, नांदेड़ ज़िले की जिम्मेदारी रिया शेख मुस्लिम उनके साथ ही ठीक है, मसला नहीं है, पूरे ले सकते न्यूज़ में आगे बढ़ जाओ। और ये जो नई कमेटी है ये बाकी के माइनॉरिटीज जो है, मुस्लिम तो है ही है, सिख, क्रिश्चियंस, इन लोगों को साथ में लेकर नांदेड़ ज़िले में एक जो सोशल एक अच्छा वातावरण बनाए और उनके जो प्रॉब्लम है, अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत में माइनॉरिटीज़ आए वाली है, ये जो नए सरकारों की जो पॉलिसीज़ है उसमें सबसे फेस जो करना पड़ रहा है वो माइनॉरिटीज़ को करना पड़ रहा है और माइनॉरिटीज़ में एकता नहीं रहने की वजह से वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़कर आ रहे हैं। तो उस बारे में तंजीम इंसाफ की ये जो नई कमेटी है आगे चलकर अच्छा काम करेंगी, ऐसी उम्मीद रखते हुए नई कमेटी को मैं शुभेच्छा देता हूँ। जी जी, ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की आज नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें मुझे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एस जी सुतारी साहब, प्रदेश महासचिव अशफाक सलामी साहब के सूचना पर हमारे नेते कॉमरेड प्रदीप नागापुरकर जी और हमारे मार्गदर्शक फारूक अहमद साहब ने आज यहां पर एक पत्रकार परिषद के ज़रिए
नई जिला कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसमें जिला अध्यक्ष के तौर पर मेरा चयन किया गया है। 2012 से मैं ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ का जिला समन्वयक पद पर काम कर रहा था, तो और आने वाले दिनों में इस मुल्क में भारतीय संविधान के अनुसार इस मुल्क में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, इसके ऊपर इसको बढ़ावा देकर मुल्क में एक अच्छी ताकत अल्पसंख्यक समाज पर हो रहे जुल्म के खिलाफ, एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे। और अच्छे जहां पर जो लोग जो काम नहीं करते हैं वो काम तंजीम इंसाफ के ज़रिए से हम सामाजिक काम समाज पर हो रहे जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, और जिन जिन पर नाइंसाफ़ी हो रही है उन्हें इंसाफ दिलाने का हम काम करेंगे।